हेलो एवरीवन वेलकम टू जेनिट एजुकेशन मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप क्या पढ़ रहे हैं क्लास नाइन फिजिक्स की सीरीज तो प्रीवियस वीडियो में क्या किया हमने अपने एक्सेलेशन वेलोसिटी और स्पीड के क्वेश्चंस बना रहे थे और उसमें हमने क्या किया अपना एक पार्ट पूरा कंप्लीट किया उसमें हमने क्या देखा लास्टली हमने पढ़ा है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन के बारे में देखा और उसके पहले हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बनाए अब उसमें भी हमने कहां तक कंप्लीट किया था क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट किया था मैंने क्या बताया था इस टॉपिक में कितने क्वेश्चन है टोटल 40 क्वेश्चंस है तो अब हम क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे 15 तक प्रीवियसली सॉल्व किया अब हम क्या करेंगे 16 से शुरू करेंगे तो यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना अभी हम क्या कर रहे हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप की क्वेश्चन बना रहे हैं जिसमें सब कैसे रहेंगे वन मार्क के रहेंगे फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और फिर लॉन्ग आंसर जो तीन मार्क और पांच मार्क के होंगे

एवरेज वेलोसिटी के दोनों का तो ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब ऑब्जेक्ट क्या करेगा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा जब भी कोई चीज स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी तो सेम होती है ना तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी सेम हो जाएगी तो इसका आंसर क्या होगा किस कंडीशन में होगा आंसर आप लिखेंगे वेन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स वेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन वन डायरेक्शन किस लिए क्योंकि उसकी वेलोसिटी स्पीड के बराबर ही हो जब एक ही डायरेक्शन में कोई चीज चलते रहेगी तो स्पीड ऑफ वेलोसिटी बराबर होगा व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन अलोंग स्ट्रेट लाइन तो ऐसे ही वन मार्क के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा यदि आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप बना लेंगे ठीक है तो इसका आप ऐसे आंसर लिख देंगे और भी आप लिख सकते हैं बट एक मार्क का है तो ज्यादा नहीं लिखना है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन ट ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स एक ऑटोमोबाइल में जितनी भी गाड़ियां रहती है या बाईसाइकिल में भी लगे रहता है ओडोमीटर ओडोमीटर क्या काम करता है हमें डिस्टेंस मेजर करने का स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है स्पीड मेजर करता है तो जो ओडोमीटर है वो एक डिवाइस है और ये क्या मेजर करता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कभी मेजर नहीं करता वो डिस्टेंस मेजर करता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है तो so, स्पीडोमीटर याद रखिएगा स्पीड और ऑडोमीटर कितना डिस्टेंस आगे देखते पाथ like तो कैसा दिखेगा बोल रहे यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी टाइम के साथ मतलब स्पीड कांस्टेंट रहेगी या हम बोले उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी अब एक और चीज है यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुई तो डायरेक्शन भी उसका सेम होना चाहिए क्योंकि यदि उसका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है तो यहां पे आप आंसर क्या लिख सकते हैं कोई भी यदि ऑब्जेक्ट है यदि वो स्ट्रेट लाइन पाथ में फॉलो करेगा स्ट्रेट लाइन पाथ में फॉलो करेगा तो इसका मतलब क्या होगा वो किसमें होगा यूनिफॉर्म मोशन में होगा और हम ऐसा बोल सकते हैं और एक और चीज यहां पे क्या बोल रहा है ना पाथ बोल रहा है ना पाथ

फिर वाला देखते हैं। When will you saw? When will you say a body is in uniform acceleration or non-uniform acceleration? अब कब बोलेंगे कि कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में और नॉन-यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? कि जैसे कोई भी चीज़ स्पीड हो रही है, किसी की भी स्पीड बढ़ रही है, तो वो यूनिफॉर्मली एक सेकंड में एक मीटर बढ़ी मतलब एक सेकंड में एक मीटर पर सेकंड बढ़ी दो सेकंड में दो हुई ऐसे करके यूनिफॉर्मली बढ़ रही है धीरे 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 करके और नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है याद रखना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है मतलब धीरे 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 उसकी स्पीड बढ़ भी जाए या धीरे 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 उसकी स्पीड कम भी हो जाए मगर धीरे धीरे आराम से यूनिफॉर्मली इसका मतलब और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा शर्ट से स्पीड बढ़ गई ब्रेक मार दी शर्ट से स्पीड कम हो गई ये मतलब होता है तो कब बोलेंगे तो इसको हम क्या कर सकते हैं इसका आप आंसर कैसे थ्योरिटिकल वे में लिख सकते हैं और ये कुछ नहीं है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डेफिनेशन ही होगा यहाँ पे आंसर तो क्या होगा पहले वाले का, इफ ऑब्जेक्ट्स ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन

क्योंकि हम जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है एक्सलरेशन बाई अनईक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब अचानक से कितनी भी बढ़ गई अचानक से कितनी भी कम हो गई कोई मतलब स्थिर नहीं है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एक सेकंड में दस बढ़ी तो दो सेकंड में चालीस बढ़ गई है ऐसा मतलब या कम हो गई देन ऑब्जेक्ट इज केस में दो लाइन का आंसर लिख देंगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पार्टिकल नॉट बी एक्सेलरेटेड इफ इट्स डैश इज कॉन्स्टेंट एक पार्टिकल है उसको हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते यदि उसका क्या कांस्टेंट होगा तो क्या चीज कॉन्स्टेंट होगी वेलोसिटी ऑब्वियस बात है एक्सेलरेशन का तो रिलेशन नहीं है स्पीड के साथ वेलोसिटी के साथ है क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है तो आंसर क्या आएगा वेलोसिटी यदि किसी की भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चल रहा है किसी एक पर्टिकुलर दिशा में तो उसमें एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं ना यदि उसकी स्पीड बढ़ेगी कम होगी तभी तो वो एक्सेलरेट करेगा या डी एक्सेलरेट करेगा तो एक पार्टिकल को हम एक्सेलरेट कर ही नहीं सकते यदि उसकी वेलोसिटी क्या हो कॉन्स्टेंट तो ऐसे आपको फिलअप्स क्वेश्चन भी पूछ सकता है फिल इन ब्लैंक्स नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली सिर्फ स्पीड जानने के लिए क्या जरूरत पड़ती है हमें स्पीड क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है तो सिर्फ स्पीड जानने के लिए क्या जरूरत पड़ती है हमें मैग्नीट्यूड सिर्फ स्पीड जानने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है मैग्नीट्यूड यदि हमें मैग्नीट्यूड पता है मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू पता है दस मीटर पर सेकंड बीस मीटर पर सेकंड तो हम स्पीड बता सकते हैं उसकी बस वेलोसिटी होती तो डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू तो जैसे कि मैंने बोला आपको हर प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे दिखेंगे छोटे रीजन वाले क्वेश्चन एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो हमने सारे बना ही लिए अब हम कुछ फिलप्स देख ले रहे हैं ये वेरी शॉर्ट में फिलप्स निकल जाएंगे फिर शॉर्ट में बड़े बड़े शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप में बड़े बड़े क्वेश्चन हम बनाएंगे जिसको सोल्व करना पड़ता है द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑपटेड बाय डिवाइडिंग डैश बाय डैश स्पीड निकालना है हमें तो स्पीड को हम कैसे निकालते हैं और वो भी एवरेज स्पीड बोल रहे हैं यहां पे याद रखेगा नॉर्मल स्पीड बोलता तो हम क्या बोलते हैं डिस्टेंस बाय टाइम एवरेज स्पीड क्या होती है मैंने आपको समझाया टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होती है तो तो यहां पे क्या आएगा टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस दिख रहा है ओके बाई टोटल टाइम टेकन टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करेंगे तो क्या आएगी हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी सिर्फ स्पीड पूछता तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाती और हमें फॉर्मूला भी याद है एवरेज स्पीड का वी एवीजी बोल देते ठीक है वी से डिनोट कर देते तो एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री ऐसे ही करते थे टी वन प्लस टी टू प्लस थ्री चीज हमने पढ़ा है कि जितनी भी स्पीड थी सबको जोड़ दो और नीचे जितना भी टाइम था उन स्पीड का, उनको जोड़ दो, तो उस रस्ते की रख तो आपको गलत हो जाएगा क्वेश्चन हमें मिलेंगे कि आपको इस टॉपिक से कैसे भी क्वेश्चन मिले यदि ये चालीस क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप सब क्वेश्चन बना लेंगे

तो वो तो चल ही रहा है तो इनिशियल तो वेलोसिटी है ही उसकी और बाद में रेस्ट में आया तो फाइनल वेलोसिटी जीरो ना तो ये क्या, है? पहला वाला जो है, ये क्या, है? क्या बोल रहा है और जीरो ले लेते हैं हम. नहीं जब वो शुरुआत में रेस्ट में रहता है तब उसकी इनिशियल जीरो लेते हैं। और चलना चालू कर देगा फिर ऐसे में हम उसकी वेलोसिटी भी लेंगे तो यहाँ पे चल रहा है तो स्टार्टिंग में तो वेलोसिटी है इनिशियल तो कुछ है ही और बाद में रेस्ट में आ गया तो यहां पे क्या मतलब होगा 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 कुछ वेलोसिटी हो जो जीरो के बराबर नहीं और v उसका क्योंकि फाइनली वो शॉर्ट में ठीक है, तो है, है? है दूसरा देखते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट बोल रहा है कि डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से बड़ा होता है बिल्कुल नहीं ये चीज हम हो, तो displacement कभी भी distance से बड़ा नहीं हो सकता क्या होता है? Shortest distance होता है किसी दो पॉइंट के बीच का और डिस्टेंस तो खुद एक लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कभी बड़ा नहीं हो सकता हमने रिलेशन देखा है ना कि एक्स क्या होगा एक्स मतलब हमारा छोटा होगा या बराबर होगा एस के S क्या है हमारा डिस्टेंस दिस्ट, है और हमने ये भी चीज देखी है कि एक्स बाई एस का रेशियो क्या होता है छोटा बराबर होता है वन के प्रीवियस लेक्चर में यही पढ़ा है एक्स डिस्प्लेसमेंट एस डिस्टेंस तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस डिस्टेंस फॉल्स बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से थर्ड देखते हैं अ बॉडी हैविंग ए यूनिफॉर्म स्पीड विल ऑलवेज हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक बॉडी है जिसकी यूनिफॉर्म स्पीड है यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है कि उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है ठीक है दस मीटर पर सेकेंड हर सेकंड में दस मीटर पर सेकेंड है विल ऑलवेज हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल रहा है कि जिसकी स्पीड यूनिफॉर्म है तो उसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म रहेगी तो ये वाला भी क्या है बताऊं फॉल्स यदि किसी बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म है मतलब वो दस मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही चल रही है मगर वो अपना दिशा चेंज कर रही है कभी राइट गई कभी लेफ्ट गई कभी राइट गई, गई कभी लेफ्ट गई मगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी क्योंकि यदि उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा जाने का, तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है क्योंकि वेलोसिटी किस किसपे डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी तो ये वाला क्या है फॉल्स है यदि यूनिफॉर्म स्पीड एक ही डायरेक्शन में चल रही है तब हम बोलेंगे हाँ वेलोसिटी कॉन्स्टेंट मगर यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में नहीं दिया तो ये वाला भी क्या है फॉल्स है समझ में आ गया होगा आपको आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या बोल रहा है व्हाट इज दी न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू दी एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ एक ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है एक स्ट्रेट पाथ में चल रहा है तो इस केस में जो इसकी स्पीड होगी वो क्या होगी बराबर होगी वेलोसिटी के और एवरेजिटी भी देखें या एवरेज स्पीड भी देखें वो भी बराबर होगा तो इस केस में रेशियो कितना होगा बताओ वन इज वन होगा हमने एक बनाया है तो याद रखेगा जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी तो बराबर होगी ये चीज हम जानते हैं अभी तक समझ लिए तो उसका रेशियो कितना वन इज टू वन आएगा क्योंकि दोनों तो चीज सेम ही है तो वन इज टू वन ही तो रेशियो आएगा ओके okay. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव देखते हैं अब ये क्या है एक प्रकार से थोड़े से ग्राफ वाला क्वेश्चन है क्या बोल रहा है Shyam, दो राम और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें गिवन शोज अलोंग साइड विच ऑफ देम योर आंसर दोनों में से एक्सेलरेशन किसका ज्यादा है बोल रहा है अपने आंसर को जस्टिफाई करो तो पहले डिस्टेंस ग्राफ देखते हैं मतलब

और बोध का दोनों का तो वो क्या होगा जीरो होगा। दोनों का एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन में यदि ये, ये ऐसे उठता ऐसा उठता या नीचे की तरफ जाता मतलब ऐसा ग्राफ बनता ये ऐसा उठा हुआ या ऐसा ग्राफ बनता ऐसे नीचे आते हुआ तो हम बोलते कि वेलोसिटी बढ़ रही है या वेलोसिटी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है तब एक्सेलरेशन आता मगर यहाँ पे तो नहीं आएगा स्ट्रेट लाइन है वो वेलोसिटी कांस्टेंट है यहाँ पे तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा पे जीरो हो तो यही उसका इसका होगा आंसर आपका तो ऐसे में आप क्या कर देंगे अपना आंसर दे देंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सो बोथ हैव जीरो एक्सेलरेशन वर्ड्स में आपको लिखना है मैं आपको समझा दिया हूँ ये चीज ठीक है दोनों का जीरो एक्सेलरेशन है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है वो भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ

ऐसा ये है ग्राफ उसका वी वेलोसिटी ऑफ दार्टिकल तो, तो इस केस में क्या होगा क्या बोल सकते हैं यहां क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स डिस्प्लेसमेंट क्या है उसकी चेंज नहीं हो रही है यहां पे यदि हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो टाइम के साथ उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है सेम है मतलब यदि एक तो वही डिस्प्लेसमेंट है दो सेकंड में देखूं तो भी वही है तीन सेकंड में देखूं तो भी वही है तो इसका मतलब क्या है एक्स चेंज नहीं हो रहा है तो एक्स चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है ऑब्जेक्ट क्या है यहां पे रेस्ट में है ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट क्यों जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट उतना ही है वो चेंज ही नहीं हो रहा है यदि डिस्प्लेसमेंट चेंज होता तो ये ग्राफ थोड़ा ऊपर नीचे जाता मगर डिस्प्लेसमेंट वही है जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या है वेलोसिटी यहां पे जीरो है बिल्कुल v 0 है क्योंकि चेंज ही नहीं हो रहा है जिस जगह पे रखा है उसी जगह पे रखा हुआ है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है रेस्ट में है तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी जीरो होगी यदि यहाँ पे डिस्टेंस भी रहता वो भी चेंज नहीं होता तो स्पीड जीरो तो होगी? होगी। नहीं बढ़ रहा है यदि यहाँ पे कितना होता? यदि यहाँ पे कुछ भी होता मान लेते यही वाली जगह में जीरो होता और ऊपर नीचे प्लस माइनस होता तो डिस्प्लेसमेंट तो चेंज ही नहीं हो रहा है उसका तो ऑब्जेक्ट किस में रेस्ट में यहाँ पे आगे।, आगे बढ़ते हैं फिर सेम वैसे ही वाला क्वेश्चन अब यहाँ पे क्या किया है बस वाई एक्सिस में क्या है हमारे पास वेलोसिटी है इस क्वेश्चन में फ्रॉम द्राफ गिवन वीटी ग्राफ वीटी टाइम कैन बी इन क्या हम इससे समझ सकते हैं? तो देखें ये वाला velocity है और ये वाला वाला है time है और क्या अब जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है velocity क्या है Same है. जैसे-जैसे समय आगे बढ़ते जा रहे हैं मतलब जैसे जैसे आगे जाएंगे टाइम में एक सेकंड दो सेकंड तीन सेकंड चार सेकंड यदि यहाँ पे वेलोसिटी दस मीटर पर सेकंड थी तो वो सेम है तो इसका मतलब क्या है ये क्या है यूनिफॉर्म मोशन है. यहां पे क्या हो रहा है यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है क्यों यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है क्योंकि जो वेलोसिटी वेलोसिटी है 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 वो क्या कांस्टेंट है? है. मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है. अब याद रखिएगा वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है कि उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और उसका डायरेक्शन मतलब मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होगा और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा होगा तो जरूर यहां पे ऑब्जेक्ट ना ये एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन आप सोच सकते हो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है ना भाई यदि उसका डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी तो चेंज होगी तो यहां पे क्या हो रहा है यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है यहां पे आप क्या बोल सकते हैं नॉट चेंजिंग विद टाइम टाइम के साथ वेलोसिटी यहां पे चेंज नहीं हो रही है तो ये क्या है यूनिफॉर्म मोशन है क्यों क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है और स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे जरूर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा क्योंकि उसकी दिशा भी चेंज नहीं हो रही डायग्राम आपको विजिबल है ओके okay, दिख रहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब आ जाएगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हमारा पूरा क्या हो गया कंप्लीट हो गया अब हम आ जाएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे यहाँ पे हम क्या देखेंगे थोड़े से बड़े क्वेश्चन अब यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल पूछेगा तीन नंबर पांच नंबर में तो अब हम क्या करेंगे न्यूमेरिकल बनाएंगे ये न्यूमेरिकल आप बना लीजिए जितने भी मैं क्वेश्चन लूंगा कहां तक नंबर हम पहुंचे हैं अभी ट्वेंटी सेवन तक पहुंचे हैं. मतलब फोर्टी तक हम जाएंगे अब पूरे न्यूमेरिकल रहेंगे इतना आप बना लीजिए क्वेश्चन अच्छे से समझ के ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आए एग्जाम में आपके लिए और आपसे ना बने तीन मार्क के क्वेश्चन आते हैं जो वो देखेंगे ठीक है तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं एंड द ओडोमीटर ऑफ ए बाइक रीड्स ओडोमीटर क्या रीड करता है डिस्टेंस रीड करता है याद रखिएगा अभी हमने देखा है रीड्स 1600 किलोमीटर एट द द स्टार्ट ऑफ ट्रिप 1600 किलोमीटर रीड करता है ट्रिप के स्टार्ट में एंड एंड 2000 किलोमीटर एट द द ऑफ ट्रिप स्टार्टिंग में मीटर कितने सोलह सो में है वो थोड़ा सा और कभी घुमा होगा अभी देखा कहीं जाने से पहले तो सोलह सौ में था वो एक ट्रिप करके आया तो अब मीटर कितने पे आ गया दो हजार किलोमीटर पे आ गया मतलब उसका डिस्टेंस कितना हुआ है

ओके okay. तो क्या गिवन वैल्यूज़ क्या दी एक बार लिख लेते हैं तो क्या हो आपको और अच्छे समझ में हमें क्या दिया हुआ है टोटल डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं टोटल डिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे किससे डिनोट कर लेंगे इसको डिस्टेंस है तो ऐसे डिनोट कर लेते हैं अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम पहले कितना था सोलह सौ दिखा रहा था और जब वो ट्रिप कंप्लीट करके आ गया तो उसकी बाइक का मीटर कितना हो गया दो हजार हो गया तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा टू थाउजेंड माइनसटी चार सौ किलोमीटर चला होगा वो तो एस किस इक्वल तो टू कितना आ फोर हंड्रेड किलोमीटर किलोमीटर है दोनों की यूनिट तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा उसका 400 किलोमीटर हो जाएगा टाइम कितना दिया हुआ है हमें उसको कितना टाइम लगा और ये टोटल टाइम है उसका पूरे ट्रिप का आवर्स उसको लगे तो इसको चेंज करना है क्या नहीं चेंज करते। क्योंकि हमें एवरेज स्पीड दो चीज में पूछा है किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में भी पूछा है तो पहले किलोमीटर पर आवर में निकाल लेते तो अब निकालेंगे हम क्या एवरेज स्पीड इसको आप डिनोट किसी से भी कर सकते हो बस आप आंसर सही निकालो स्पीड है तो वी एवरेज से भी डिनोट कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं बस आंसर सही निकालना है क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम यही होता है एक बार फॉर्मूला लिख दे रहे हैं बार बार आएगा तो नहीं लिखेंगे ताकि हमारा भी टाइम बचेगा और आपको भी जल्दी जल्दी समझ पाएगा तो उसका सिक्सटीन आवर्स है आवर्स में ही रखते हैं अभी क्योंकि पहला आंसर हमारा किस में आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा अभी ऊपर मीटर डिस्टेंस किलोमीटर में है और ये आवर में है तो इसको सॉल्व करेंगे फोर हंड्रेड बाई स आ जाएगा किलोमीटर पर आवर ये एक आंसर आ गया डिवाइड तो कर ही सकते हैं आप आसानी से फोर हंड्रेड बाई पर सेकंड में निकालना है तो यही वेलोसिटी है इसी को मैं आप किससे डिनोट कर दे रहा हूं वी एवरेज कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब समझ में आना चाहिए बस स्पीड है मगर उसको वी से मैं डिनोट कर दे रहा हूं अब जो ट्वेंटी फाइव है इसको मेरे को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो सबसे पहले किलोमीटर को मैं मीटर में बनाऊंगा तो कितना मीटर होता है एक किलोमीटर में हजार तो क्या करूंगा किलोमीटर ऊपर में है तो से आवर को एक घंटे में होते हैं साठ मिनट साठ मिनट में होते हैं साठ सेकेंड तो साठ इंटू साठ छत्तीस सौ तो थ्री थर्टी सिक्स हंड्रेड क्या हो जाएंगे सेकेंड हो जाएंगे अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा सिक्स पॉइंट नाइन फोर 6.94 मीटर पर सेकंड तो ये आ गया दोनों का आंसर ये चीज तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं मैं पहले से कैलकुलेट करके रखता हूं ताकि आंसर एकदम एग्जैक्ट आए और टाइम भी ज्यादा वेस्ट ना हो तो ये आ गए दो ठो आपके आंसर यही होगा एवरेज स्पीड पूछा वो किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में बन गया ये वाला क्वेश्चन ओके okay. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं

मीटर और पहला वाला कितना कितना है? है है? है? पे निकालने बोला है, तो हम कैसे करते हैं? ऊपर पूरा पूरा नीचे total time. पहले के लिए कितना दिया ठीक फिर उसके बाद क्या करता है सोलह मीटर और चलता है तो सेकंड डिस्टेंस कितना दिया है हमें? मीटर. और ये सोलह मीटर चलने के लिए कितना टाइम लिया वो दो सेकेंड तो टी टू कितना हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड यही है अब क्या निकालना है हमें क्वेश्चन में एवरेज स्पीड निकालनी है एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड कितनी होगी क्या हमने फॉर्मूला देखा ना एस वन प्लस एस टू बाई टी वन प्लस टी टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम कितना टोटल डिस्टेंस चलाओ और कितना टाइम लिया तो टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 16 प्लस 14, 14 प्लस 16, s1 प्लस s2 और टाइम कितना है यहाँ पे 4 प्लस 2, तो 4 प्लस अब अभी कितना हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे हम सॉल्व करके देखते हैं तो 14 प्लस 16 हो जाएगा 30 और 4 प्लस 2 हो जाएगा 6, 6 वन सा सिक्स फाइव सा तो ये 5 से कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ जाएगा फाइव मीटर पर सेकेंड

तो हमें टाइम दिया है और हमें क्या दिया हुआ है स्पीड दिया हुआ है हमें क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना है तो सॉल्व कर लेते इसको ठीक है क्वेश्चन थर्टी ओके तो क्या गिवन क्या है हमें देख लेते टाइम गिवन है हमें टाइम दिया हुआ है और वो कितना बोल रहा है कितना देर लगता है सिग्नल को आने में फाइव मिनट्स लगता है तो इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे तो फाइव इंटू सिक्सटी तो कितना टाइम लेगा इसका मतलब थ्री हंड्रेड सेकेंड टाइम हमारा हमारी यूनिट में आ गया और स्पीड दिया हुआ है वेव की एस से डिनोट नहीं कर सकते क्योंकि एस से तो हम डिस्टेंस निकालेंगे और वो कितनी स्पीड दिया है थ्री

स्पीड कितना है यहाँ पे ये यह चीज आप समझेंगे ऐसा नहीं कि मैं दिनों नोटेशन अलग ले ले रहा हूँ एस को मैं डिस्टेंस लेता हूँ कहीं कहीं पे वो चीज अलग नॉर्मल हम अपना क्या कर रहे हैं एनालिसिस कर रहे हैं डिस्टेंस निकालना है हमें तो स्पीड इंटू टाइम करेंगे वही है तो यहाँ पे इसको क्या करते हैं ना कंफ्यूजन हो करके इसको वी कर देते हैं ताकि नोटेशन भी सही लगे वी वी इंटू टाइम होगा स्पीड या वेलोसिटी बोले यहाँ पे कितनी दिया हुआ है थ्री इंटू टेन टू दावर एट और इंटू कितना थ्री हंड्रेड यही है थ्री थ्री नाइन हो जाएगा और कितना जीरो है यहाँ पे आट, नौ, दस। तो पावर टेन मीटर इतना डिस्टेंस है हमारी स्पेसशिप क्या अर्थ से दूर सिंपल ही क्वेश्चन है एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कुछ नहीं करना ये तो आप आसानी से बना सकते हैं ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन क्या बोल रहा है अ बस डी एक्सेलरेट्स अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम एट्टी किलोमीटर एट्टी किलोमीटर पर आवर टू सिक्सटी किलोमीटर पर आवर एक बस है वो अपनी स्पीड को कम कर रही है अस्सी से साठ की स्पीड में ले आई इन फाइव सेकेंड्स कितने सेकेंड्स में लेके आई वो पांच सेकेंड्स में लेके आई फाइंड दी एक्सेलरेशन ऑफ दी बस बस का एक्सेलरेशन क्या है निकालो बोल रहा है ठीक है तो हमें क्या दिया हुआ है पहले उसकी स्पीड क्या थी सबसे पहले अस्सी तो ये इनिशियल स्पीड है जिसको हम यू से डिनोट करते हैं और वो कितनी हो गई किलोमीटर पर आवर. फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी कहां से साठ कहां तक गई फाइनल तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा? फाइनल स्पीड सिक्सटी किलोमीटर पर आवर ओके कितने टाइम में हुआ ये सब चीजें पांच सेकंड में तो टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे फाइव सेकेंड अब एक्सेलरेशन निकालना है तो सिंपल वाला फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं क्या होगा एक्सेलरेशन ठीक है अब यहां पे क्या है यूनिट्स को हमें चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा क्योंकि एक्सेलरेशन तो मीटर पर सेकेंड में आता है ठीक है तो यूनिट चेंज कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो फॉर्मूला तो यही लगेगा अब इसको चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 80 1000 किलोमीटर को मीटर में किए और मिनट कितना 3600 इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 22.22 .22 मीटर पर सेकंड और ये वाला है 60 को चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में तो ये कितना हो जाएगा सिक्सटी सेम वही इन टू थाउजेंड बाई थ्री सिक्स डबल जीरो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा मीटर पर सेकेंड अब दोनों स्पीड इनिशियल और फाइनल मीटर पर सेकेंड में आ गई अब एक्सेलरेशन निकालते क्योंकि एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ही आता है वही उसकी एसआई यूनिट है ओके तो अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा देंगे ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी वी कितना आया था हमारा वेलोसिटी आई है ट्वेंटी टू माइनस इनिशियल कितनी थी हमारी सिक्सटीन पॉइंट टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे 5 सेकंड्स लग रहा है इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी माइनस वन

आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्टी टू अब ये क्वेश्चन कैसा है ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेंस ए स्पीड ऑफ फोर्टी किलोमीटर पर आवर इन टेन मिनट्स

मतलब तो फाइनल स्पीड दिया और टाइम दिया हुआ है पे। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। अब गिवन वैल्यूज क्या दिए हमें? यू इक्वल टू जीरो दिया है क्यों क्योंकि ट्रेन क्या है इनिशियली रेलवे स्टेशन से चलना चालू हो रही है कितना दिया हुआ है हमें कितने स्पीड पकड़ ली वो कितनी रफ्तार पकड़ी देखते हैं फोर्टी किलोमीटर पर आवर इसको मीटर पर सेकेंड में हमें चेंज करना पड़ेगा तो फोर्टी इंटू थाउजेंड बाई थ्री सिक्स डबल जीरो सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा इलेवन पॉइंट वन वन मीटर पर सेकेंड ठीक है ये आ गई वेलोसिटी अब टाइम दिया हुआ है हमें ओके टाइम कितना देर में ले रहा है आवर्स कुछ दिया है सॉरी मिनट्स में दिया है, दस मिनट दस मिनट बोल रहा है तो इसको भी सेकंड में चेंज करना पड़ेगा एक मिनट में कितना होता है साठ सेकंड्स तो सिक्सटी से इनटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा सिक्स हंड्रेड सेकेंड आ जाएगा यही आ जाएगा बिल्कुल ठीक है अब निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई है हमारी इलेवन माइनस इनिशियल कितना है जीरो और टाइम कितना ले रहा है सिक्स हंड्रेड सेकेंड ले रहा है ओके अब इसको सॉल्व करेंगे आ, सही चीज है बिल्कुल। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? टू पावर को अलग रखेंगे तो आएगा वन पॉइंट एट फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेशन है ये आएगा आंसर या ऐसे भी आपका आ सकता है वो किस हिसाब से आप सॉल्व करते हैं वो आपके ऊपर है है पॉइंट में भी आंसर आप आ सकता मीटर पर स्क्वायर दोनों फॉर्म में आप आंसर लिखेंगे दोनों फॉर्म में आंसर सही है दोनों का मतलब ही वही है एक्चुअली तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ओके okay. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी टू हो गया अब नेक्स्ट आएगा थर्टी थ्री

चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट यदि किसी बॉडी की वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है नॉन यूनिफॉर्म रेट का मतलब ये कि एक सेकंड में दस चेंज हुई फिर दो सेकंड में चालीस चेंज हो गई कुछ भी चेंज हो रही है इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म रेट से देन इट्स एवरेज वेलॉसिटी इज कैलकुलेटेड बाई डिवाइडिंग नेट डिसमेंट कवर्ड विथ टोटल टाइम टेकन जैसे एक प्रकार से एवरेज स्पीड निकालते हैं हम टोटल डिसप्लेसमेंट लिए हैं

एक ट्रेन स्टेशन से मूव करना चालू होगी तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा धीरे 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 करके इंक्रीज होगा मतलब धीरे धीरे करके होगा तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के ही है मतलब स्पीड उसकी बढ़ रही है ना धीरे धीरे तो एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में तो यहां पे क्या है कोई बॉडी ऐसे मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन भी कैसा है एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में दूसरा वाला क्या है ब्रेक्स अप्लाइड टू ए मूविंग कार एक कार ऐसे मूव कर रही है मगर एक्सेलरेशन उसका क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा

अब आ जाएगा हमारा नेक्स्ट सेक्शन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें हम क्या देखेंगे पांच मार्क के देखेंगे बड़े बड़े जिसमें आपको दो एक, दो एक चीज निकालने बोलता है। तो वैसे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी क्या बोल रहे हैं राजीव वेंट फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी दिया था राजीव है वो क्या करता है दिल्ली से चंडीगढ़ जाता है एंड रिटर्न टू दिल्ली

ओके okay. तो क्या दिया हुआ है पहले तो हम क्या करते हैं गिवन देखते हैं फर्स्ट हम क्या निकाल सकते हैं ओडोमीटर की रीडिंग हमें पता है तो हम टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं टोटल डिस्टेंस जो क्या होगा जिसको हम किससे डिनोट कर देते हैं डी से डिनोट कर देते हैं टोटल डिस्टेंस डी से डिनोट कर देते हैं ओके okay. एंड में कितना रीड किया वो 4460 और स्टार्टिंग में कितना रीड कर रहा था वो 4200 तो टोटल डिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा 260 दोनों को माइनस करेंगे तो 260 आएगा और किस में आएगा वो किलोमीटरस में आएगा मतलब 260 किलोमीटर लगा उसको दिल्ली से चंडीगढ़ जाने में और चंडीगढ़ से वापस दिल्ली आने ठीक है अब नेक्स्ट यदि हम देखें टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका कितना है ये तो टोटल डिस्टेंस है टोटल

टोटल टाइम एक प्रकार का ये जो टाइम हम निकाल रहे हैं टोटल टाइम वो कितना है फोर आवर्स ट्वेंटी मिनट्स ठीक है तो इसको हमें क्या करना है एक राउंड ऑफ ले 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 लेते 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 कितना आवर्स आवर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि पहले हम किलोमीटर पर आवर में निकाल लेते हैं फिर उसको तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे अब 4.33 कैसे लिए ठीक है एक घंटे में 60 मिनट होता है ओके okay, अब यदि 20 -20 करके ले घंटे को तो कितना हो जाएगा बीस 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 मतलब तीन बार बीस आएगा तो एक घंटा हो जाएगा मतलब एक घंटे को यदि हम वन बाई थ्री हिस्से में डिवाइड करें तो वो बीस होगा ठीक है और सौ को सौ का यदि हम एक तिहाई हिस्सा देखें तो वो कितना होता है, 1 होता है. तो वन पॉइंट थ्री थ्री प्लस वन पॉइंट मतलब वन पॉइंट जीरो पॉइंट थ्री थ्री मतलब कितना शो कर रहा है ट्वेंटी मिनट शो कर रहा है आप जीरो पॉइंट थ्री थ्री जीरो पॉइंट थ्री थ्री जीरो थ्री थ्री कितना हो जाएगा वो एक पूरा वो हो जाएगा तो इसलिए मिनट्स को हम आवर्स लिख सकते हैं पॉइंट में लिखे ओके okay. क्योंकि वो मिनट ही शो कर और तीन पॉइंट थ्री थ्री लेते हैं हम तो वो क्या बन जाता है वन बन जाता है इसलिए ओके okay. अब फर्स्ट हमें क्या निकालना है एवरेज स्पीड निकालनी है शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं मैं ए वी जी एवरेज स्पीड अब एवरेज स्पीड क्या होती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस किससे डिनोट कर ले रहे हैं हम डी से डिनोट कर ले रहे हैं और टोटल टाइम क्या है हमारा टी है तो वैल्यू पुट करते टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा 260 और टोटल टाइम कितना हुआ है 4.33 आवर्स तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 260 बाय 4.33 तो किलोमीटर पर आवर आ जाए। आ जाएगा। ये गया हमारा एक आंसर एवरेज स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर में। ओके। अब इसी को हमें ठीक है मीटर पर में भी। तो मीटर पर सेकंड में भी निकालते हैं। पीड़ी निकाल रहे हैं। तो करने के लिए से मल्टीप्लाई और आवर को सेकेंड में करने के लिए थ्री सिक्स डबल जीरो तो कितना पॉइंट सिक्स सिक्स यही आएगा आंसर बिल्कुल सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सिक्स मीटर पर सेकेंड तो एवरेज स्पीड की दोनों यूनिट्स में आ गया आंसर अपना ओके okay. अब देखते हैं एवरेज वेलोसिटी इसको कैसे शॉर्ट फॉर्म में ए वी जी वेलोसिटी अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है वी एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टोटल डिस्प्लेसमेंट जिसको हमने किससे डिनोट किया x से और डिवाइड बाय टोटल टाइम टी अब टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां पे कितना है जीरो है तो आंसर कितना आएगा जीरो ही आएगा और यही क्या होगा किलोमीटर पर आवर में भी होगी और मीटर पर सेकंड में भी जीरो ही होगा तो ये आ गया हमारा आंसर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो है ना तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी जीरो किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड सॉल्व हो गया ये वाला क्वेश्चन बन गया ये वाला क्वेश्चन आंसर निकालने थे एक दो तीन और चार आ गया आपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पॉइंट स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजिशन अ कार अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ फाइव मीटर पर सेकेंड इन ट्वेंटी सेकेंड

पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है केस वन अब यहां पे क्या दिया हुआ है कार क्या हो रही है रेस्ट से शुरू हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो और कितनी की स्पीड पहुंच जा रही है वो वी हो जा रहा है फाइव मीटर पर सेकेंड ठीक है टाइम कितना लग रहा है उसको इतनी स्पीड पहुंचने में टाइम लग रहा है उसको कितना ट्वेंटी सेकेंड लग रहा है ट्वेंटी सेकेंड लग रहे हैं इतने के लिए ठीक है, बोल रहा है एक्सेलरेशन निकालो तो पहले वाले केस में एक्सेलरेशन देखते हैं, u, v- यू -U, माइनस -U t, यू बाई टी हमारा पांच u है हमारा जीरो और टाइम कितना है बीस तो पहले वाले केस में एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा जीरो पॉइंट टू फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया फर्स्ट वाले केस का आंसर। दूसरा केस देखते हैं है. तो अपनी मैक्सिमम रफ्तार के बाद धीरे ना मतलब यहां पे जो इसका, जो वी था, वो इसका यू हो जाएगा ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी इनिशियल कितनी है फाइव मीटर पर सेकंड और कितनी धीरे होने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हुई वी कितना हो गया यहां पे थ्री मीटर पर सेकेंड यही हुआ ओके okay. टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पे सेकंड वाले केस में कितना देर हुआ कितना देर लगा ये सब होने में 6 अब इस केस में छो निकालना है तो A क्या होगा v U T. V है अपना तीन और यू है अपना पांच नेगेटिव आएगी वैल्यू और टाइम कितना है छे क्योंकि डी एक्सलेशन हो रहा है नेगेटिव तो आएगा ही आएगा ना बिल्कुल तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस जीरो पॉइंट थ्री थ्री मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस जीरो पॉइंट थ्री थ्री मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया आंसर दोनों केस में हमने एक्सलेशन निकाल लिया सिंपल ओके okay. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्टी सेवन ऊषा स्विम्स नाइन्टी मीटर लॉन्ग पूल उचा है वो स्विमिंग कर रही है एक पूल पूल में जिसकी लेंथ कितनी है है मीटर। मीटर का वो एक कोने से स्विम करना चालू गई उस तरफ गई तो नब्बे मीटर हुआ फिर वापस आ गई तो एक सौ अस्सी मीटर होगा ना डिस्टेंस कवर उसका और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जीरो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ दी ऊंचा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालो ऊंचा की निकाल लेंगे बिल्कुल ठीक है सॉल्व करते हैं इसको ओके तो फर्स्ट लिखते हैं अपन गिवन वैल्यूज बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप ऐसे ही सॉल्व करें गिवन लिखें अच्छे से पूरा ताकि पूरा नंबर मिले आपको पांच का पांच ठीक है तो, तो टोटल डिस्टेंस देखते हैं एस

एक एंड से दूसरे एंड में आई तो कितना हो जाएगा? मतलब कितना? हो जाएगा जाएगा मिनट मतलब कितना टाइम फर्स्ट क्या निकालना है हमें एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या होगा टोटल डिस्टेंस मतलब एस बाय टोटल टाइम टी टोटल डिस्टेंस कितना है एक सौ अस्सी और टाइम कितना है साठ तो कितना आ जाएगा ये थ्री मीटर पर सेकेंड जीरो जीरो कैंसिल हो गया सिक्स वन एटीन तो ये आ गया थ्री मीटर पर सेकेंड ये आ गई उसकी एवरेज स्पीड ओके अब नेक्स्ट निकालना है हमें एवरेज वेलोसिटी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं एवरेज आप पूरे लिखेंगे एवरेज वेलॉसिटी अभी क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टोटल डिस्टेंस है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है जीरो है और टाइम है हमारा उतना ही टाइम है साठ सेकेंड तो कितना आ जाएगा जीरो मीटर पर सेकेंड मतलब एवरेज वेलोसिटी उसकी कितनी है जीरो है मगर एवरेज स्पीड है उसकी थ्री मीटर पर सेकेंड तो सॉल्व हो गया ये वाला क्वेश्चन भी ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी देखते हैं ये सब क्या है इसमें कुछ आपके एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन होंगे जो एनसीईआरटी के पीछे में रहते हैं मैंने सारे क्वेश्चन देख के लिए हैं तो सब क्वेश्चन कवर होंगे इस टॉपिक के जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन टू मिनट 30 सेकंड्स जोसेफ क्या कर रहा है एक एंड से दूसरे एंड में जा रहा है रोड के जो रोड मतलब जॉगिंग कर रहा है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कितना देर मीटर उसका डिस्टेंस उसने किया है और दो मिनट तीस सेकंड एंड जॉग हंड्रेड मीटर ए से बी गया और वट आर स्पीड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड ए टू सी ठीक है तो इसको पहले हम क्या करेंगे डायग्राम बनाएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा तो ऐसा आप क्वेश्चन पढ़े और पहले उसका डायग्राम बना ले अभी भी समझ में आ रहा है डायग्राम क्या है 300 मीटर उधर दौड़ के गया कुछ टाइम लिया और थोड़ा सा पीछे आया 100 मीटर और उसमें कुछ टाइम लिया अब पूछ रहा है उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताओ ओके okay, तो यहां पे क्या करते हैं डायग्राम बनाते हैं ये ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट था पहले जोसेफ ए पॉइंट से शुरू किया बी पॉइंट तक गया और ये डिस्टेंस कितना है हमारा ए से बी तक का ये दिया था हमें थ्री हंड्रेड मीटर दिया है और ये डिस्टेंस करने में वो टाइम कितना लिया टाइम लिया वो टू मिनट कितना टाइम लिया है वो मिनट थर्टी सेकेंड ठीक है मैंने वहां पे अलग से लिख दिया है तो यहां पे मैं इसको टी वन से डिनोट कर देता हूं ये वाला टाइम कितना है टी वन अभी अपन लिख लेंगे टी वन क्या होता है तो यहां पे क्या करते हैं गिवन वैल्यूज भी लिखते हैं पहले तो वो ए से बी गया तो यही डिस्टेंस एस वन है और ये कितना डिस्टेंस है तीन सौ मीटर यही ए से बी तक जाने का जानेगा फिर वो मुड़ा और वापिस सी पॉइंट में आया फिर वो मुड़ के जॉक करते करते ये सी पॉइंट तक आया और ये यहां से सी पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना किया है वो हंड्रेड मीटर तो दूसरा डिस्टेंस हमें क्या दिया हुआ है ऐसा ही है बिल्कुल पहला तो टी टाइम लिख लेते हैं T1 टाइम कितना है हमारा और उसको सेकंड में चेंज भी कर लेते जब वो A से B जा रहा था कितना दिया हुआ minute, minute, दिया है क्वेश्चन में टू मिनट थर्टी सेकंड्स टू मिनट थर्टी सेकंड्स ही दिया सही है तो इसको क्या करेंगे सेकंड में चेंज करेंगे तो मिनट में टू तो सिक्सटी प्लस सिक्सटी प्लस थर्टी तो वन ट्वेंटी प्लस थर्टी वन फिफ्टी सेकेंड वन पहला वाला टाइम है उसका फिर उसके बाद बी से वो वापिस आया सी पॉइंट में यहां पर और सौ मीटर कवर किया तो जो दूसरा वाला डिस्टेंस होगा इसका एस टू बोलते हैं इस डिस्टेंस डिस्टेंस कौन सा एस टू जो बी से सी आया इसमें कितना कवर किया है वो सौ मीटर और टाइम कितना लगा यहाँ पे मतलब टी टू दूसरा वाला टाइम बी से सी आने में वो टाइम था एक मिनट कितना दिया है टाइम यहां पे एक ही मिनट दिया है ओके

200 मीटर यही होगा डिस्प्लेसमेंट उसका क्योंकि ये उसकी इनिशियल पोजीशन है और ये उसकी फाइनल पोजीशन और वो कैसा वेक्टर रहता है इनिशियल से फाइनल तक का जाने वाला वेक्टर रहता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओके तो क्या निकालना है निकाल सकते हैं फर्स्ट हमें निकालना है एवरेज स्पीड ओके निकाल लेते हैं फर्स्ट निकालना है हमें एवरेज स्पीड तो एवरेज स्पीड क्या होती है भाई टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कितना डिस्टेंस वो कुल मिलाकर ट्रेवल किया 300 प्लस 100 300 प्लस 100 और टाइम उसको कितना लगा 150 सेकंड्स प्लस 60 सेकंड्स तो 50 210 सेकंड 210 सेकंड्स लगा तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी समझ में आ रहा है ये क्या है s1 प्लस s2 t1 प्लस t2 T1 था अपना कितना 150 और T2 कितना है 60 तो 210 सेकंड होगा टोटल सेकंड उसका एवरेज स्पीड ऐसी तो निकलती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम तो ये कितना हो जाएगा 400 बाय 210 हो जाएगा अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा अपना 2 मीटर पर सेकंड तो ये आ गई उसकी एवरेज स्पीड अब क्या बोला है एवरेज वेलोसिटी भी निकालो तो सेकंड एवरेज वेलोसिटी क्या होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टोटल टाइम और डिस्प्लेसमेंट तो टोटल टाइम तो डेढ़ सौ मिनट है क्योंकि ये दोनों को हम क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं टोटल टाइम के लिए ठीक है और डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका जीरो है नहीं जीरो नहीं सॉरी दो है आप तो निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट है दो और टोटल तो टाइम तो है अपना दो यही होगा डिस्प्लेसमेंट 200 का है उसका इनिशियल से फाइनल तक का डिस्टेंस और कितना समय लगा इतना डिस्प्लेसमेंट उसको करने में तो डेढ़ सौ सेकेंड वन फिफ्टी सेकेंड लगा बी जाने में और बी से वापस सी आने में कितना लगा साठ सेकंड दो सौ बाई दो सो दस करेंगे तो एवरेज वेलोसिटीज की कितनी आ जाएगी जीरो पॉइंट नाइन फाइव मीटर पर सेकेंड याद रखिएगा पहले वाले क्वेश्चन में जीरो हो जा रही थी एवरेज वेलोसिटी क्योंकि वो इनिशियल पोजीशन पे आ जा रहा था ऑब्जेक्ट यहाँ पे इनिशियल पोजीशन पे नहीं आया सी में आया

पूरे ट्रिप की एवरेज स्पीड कितनी है पूछ रहा है पे, ओके, सॉल्व करते हैं इसको ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं मान लेते हैं कि अब्दुल जब स्कूल जा रहा था मतलब वो जब होम से स्कूल गया तो उस केस में जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो डिस्टेंस कितना हो गया s हो गया ठीक है इस केस में जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया वो कितना हो गया x हो गया ओके okay. जो डिस्टेंस कवर किया तो स्कूल जाते टाइम की उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v1 उसको हम मान लेते हैं और ये दिया है हमें एवरेज वेलोसिटी एक प्रकार से देख रहे हैं हम v1 20 by x by t1

तो अब यदि हम यहां से देखें डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा टाइम अलग अलग लग रहा है और उसकी स्पीड अलग अलग, अलग लग रही है और भले एवरेज बोल देते हैं हैं हम हम ठीक है कोई दिक्कत नहीं तो यहां से हम क्या कर सकते है? टी वन की वैल्यू निकाल सकते हैं को ऊपर तो वो कितना हो जाएगा एक्स बाई ट्वेंटी हो जाएगा एक ये वैल्यू आई और टी टू की वैल्यू निकालेंगे तो टी टू कितना हो जाएगा एक्स बाई थर्टी ये एक वैल्यू मिल गई ओके okay. अब देखते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाती है टोटल डिस्टेंस शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं मैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम यही होता है ठीक है अब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है यहाँ पे एक्स जाने में एक्स वापस आने में तो टू एक्स हुआ बिल्कुल और टोटल टाइम कितना है टी वन प्लस टी टू तो होगा टी वन की वैल्यू क्या एक्स बाई ट्वेंटी प्लस एक्स बाई थर्टी देखिये कैसे कर रहे हैं हम अब उससे क्या करेंगे हम निकाल लेंगे यहां से ठीक है तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये ऊपर तो टू एक्स ही रहेगा नीचे में क्या हो जाएगा ट्वेंटी और थर्टी का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा सिक्सटी आ जाएगा ओके अब टू थ्री जिक्स होता है तो ऊपर में थ्री एक्स और थ्री टू या सिक्स होता है तो ऊपर में 2x 3x 2x तो कितना हो जाएगा 2x by, 5x by 60 हो जाएगा बिल्कुल अब यहां पे 2x के नीचे 1 है याद रखिएगा तो ये क्या होगा ऐसे जाएगा तो उल्टा हो जाएगा नीचे वाला चीज तो ये कैसे बनेगा देखते हैं 2x into 60 ये 60 ऊपर चले जाएगा और नीचे क्या है 5x नीचे है 5x ओके अब यहां से देखें तो ये एक्स एक्स क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा मतलब एवरेज स्पीड ही तो निकाल रहे हैं हम ठीक है अब वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी बाई फाइव कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे वन ट्वेंटी बाई फाइव आ रहा है इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा ट्वेंटी फोर हाँ ट्वेंटी फोर किलोमीटर पर आवर तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ टाइप का था ये आ गया आंसर ट्वेंटी फोर किलोमीटर तो आर तो इसको ऐसे आप सॉल्व करेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी फिर उसके बाद एक और आ, मतलब एक और क्वेश्चन आएगा बट वो पैसेज टाइप का रहेगा अब्दुल वाला हो गया अब उसके बाद ये हाँ लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं अब केस बेस क्वेश्चन भी ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे और आपको समझना है कि क्वेश्चन का मतलब क्या है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछेगा देखते हैं रीड करते हैं कैसा रहेगा ऊपर में डायरेक्शन दिया रहेगा ये एक पैसेज है ये पैसेज को पढ़ो और ये पैसेज को पढ़ के आपको चार्ट ऑफ क्वेश्चन दिया रहेगा वो चार्ट और क्वेश्चन का आपको क्या करना है आंसर देना है ठीक है तो पहले पैसेज को पढ़ते हैं तो शिखज और शर्मन दो लोग हैं वेन टू मथुरा दोनों कहाँ गए मथुरा गए थ्रू यमुना एक्सप्रेस वे यमुना एक्सप्रेस वे क्या एक है एक रोड है ये लोग दोनों एक रोड से गए मथुरा गए शिखज जो कार चला था स्टार्टेड दी कार एंड एक्सेलरेटेड सो हाईली दट द कार वॉज रनिंग एट 180 एटी किलोमीटर पर आवर विद इन टेन सेकेंड्स तो शिखर कार चलाने लगा शिखर कार में बैठा और बूम से भगाया वो इतना तेज भगाया कि गाड़ी की स्पीड क्या हो गई 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में 108 की स्पीड हो गई 10 सेकंड में ही ठीक है तो शर्मन देखा शर्मन बोला अरे भाई शर्मन उसको देखा शर्मन केप्ड द ट्रैक ऑन दी स्पीडोमीटर शर्मन क्या किया स्पीडोमीटर देखते रहा वो क्यों स्पीडोमीटर क्या बताता है इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है एंड स्टॉपड हिम और जैसे ही 101 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पहुंची तो शर्मा ने उसको बोला भाई रुक जा फ्रॉम डूइंग सो और उसको रुकने बोला वो और एंड टोल्ड हिम दैट ओवर स्पीडिंग ऑन द रोड वाज ए स्ट्रेट इनविटेशन टू लाइफ टेकिंग सिचुएशन उसको टोका कि रुक जा और उसको बोला कि यदि रोड में हम तेज भगाएंगे तो सीधा ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे जिससे जान जा सकती है वही बोला वो तो क्या होता हैगा है, मतलब रहा, है, रहा था वो थोड़ा था वो वो चाहता था कि मैं और तेज भगा उसकी बात समझ गया बट ही वॉज कन्विंस बाई शर्मन बट वो उसकी बात समझ गया तो ये पैराग्राफ हमने पढ़ा ये पैराग्राफ हमको समझ में आ गया अब इसके चार्ट होगा आंसर देखते हैं

30 मीटर पर सेकेंड आ गया ओके okay, अब एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन कितना होता है v माइनस यू और टाइम टाइम भी हमें क्वेश्चन में दिया है कितने देर में वो इतनी स्पीड में पहुंच गया टाइम देखते हैं 10 सेकंड में इतनी स्पीड में पहुंच गया वो ये टाइम भी हमको दी हुआ है तो बाई टी अब v कितना है हमारा तीस माइनस जीरो तो जीरो तो हट ही गया

यदि ओवर स्पीडिंग करना मतलब गाड़ी को स्पीड चलाना सीधा इनविटेशन होता है लाइफ स्ट्रेकिंग सिचुएशन का मतलब सीधा मौत को बुलावा देना या मौत को इनवाइट करना होता है तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे पैराग्राफ से ही देख के कि उसने क्या उसको वो दिया एडवाइस दिया और इससे आपको भी ज्ञान मिलता है कि गाड़ी तेज ना चलाएं तो वो क्या बोला टोल्ड हिम उसने बोला टोल्ड हिम दैट ओवर स्पीडिंग ऑन दी रोड वॉज ए स्ट्रेट इन्विटेशन

इतने क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए इस वीडियो में और प्रीवियस वीडियो में आपकी सब चीज क्लियर हो जाएगी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं बना पाएंगे बने रहिए हमारे साथ आगे वाले वीडियो में हम और ग्राफ के बारे में देखेंगे इसी चैप्टर में तो अभी तक के इतना ही थैंक यू